दे दिया। कि जाओ तुम्हारा जन्म कलयुग में होगा, तब तुम जो रामचरित गाओगे वो भगवान उपास्य हर समय दृष्टि में रख करके, अभी तो तुम एक राजा के रूप में वर्णन कर रहे हो, लक्ष्मण जी ने भी श्राप दिया, इसलिए रामायण में जगह जगह राम का ईश्वर भी वर्णन किया गया है। अब इन दो कारणों से अवतार हुआ, वाल्मीकि जी का अवतार तुलसी के रूप में इन दो कारणों से, श्राप के कारण हुआ, एक हनुमान जी का श्राप, एक लक्ष्मण जी का श्राप। इनका जन्म हुआ था प्रयाग इलाहाबाद से 15 कोस दूर जमुना जी के किनारे एक राजापुर नाम का गांव है। चित्रकूट जाते समय उस जमाने में लोग राजापुर होकर के जाया करते थे। इलाहाबाद से पहले जमुना जी किनारे ऊपर चलते थे 15 कोस, उसके बाद जमुना पार करते थे तो राजापुर, और राजापुर के बाद चित्रकूट, ये रास्ता था। आजकल ये रास्ता नहीं है, आजकल तो इलाहाबाद से जमुना पार नैनी पड़ता है और नैनी से सीधे चित्रकूट के लिए ट्रेन तो नहीं जाती, मानिकपुर उतार देती है, बस जाती है। बांदा जिला के भीतर ये पड़ता है राजापुर। इस राजापुर ग्राम से ही भगवान सीता राम जब लक्ष्मण जी जब वन में गए हैं तो यहीं से जमुना पार किया था, यहीं से सारे अयोध्या वाले भी जब चित्रकूट गए थे तो इसी रास्ते से गए थे। जनक जी जब आए हैं चित्रकूट जाते समय तो यही राजापुर होके गए हैं। मिथिलावासी अयोध्यावासी, इसीलिए राजापुर में ही उनका जन्म हुआ। तो ये राजापुर में इन्होंने वो ब्राह्मणों का गांव था। आत्माराम दुबे इनके पिता थे, ये गांव के मुखिया भी थे, सरपंच या प्रधान समझो या राजगुरु भी थे। इन्होंने पुत्र की कामना से प्रयाग में और चित्रकूट में जाकर के व्रत किए थे, जिसके फल के कारण वाल्मीकि जैसा पुत्र मिला। इनकी माता का नाम हुलसी था। ये 12 महीने गर्भ में रहे, और लड़के तो 9-10 महीने रहते हैं। विचित्र इनका जन्म था। संबत 1554 में सावन के महीने में शुक्ल पक्ष में यानी हरियाली तीज के बाद जो सप्तमी आती है, दिन शनिवार था,
संध्या के समय अभिनिजित नक्षत्र में तुलसीदास जी का जन्म हुआ। 1554 विषय कालिंदी के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरे उ सरेर। सारे गांव में बधाई बजने लग गई कि वो राजगुरु थे, सबका स्वागत करने लग गए। इतने में एक दासी आई और आत्माराम जी से बोली, एक अद्भुत लड़के ने जन्म लिया है। बोले, अद्भुत क्यों? अद्भुत इसलिए है कि सभी संसार में बच्चे पैदा होकर रोते हैं, रोया नहीं। गर्भ से बाहर आते ही राम राम स्पष्ट बोलने लग गया। बोले, स्पष्ट कैसे बोल सकता है बच्चा जब तक दांत पूरे ना हो? जिन लोगों के बुढ़ापे में दांत टूट जाते हैं, उनकी हवा निकल जाती है, फू फू, तो साफ स्पष्ट उच्चारण नहीं आता। बच्चा पैदा होते मान राम 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 शब्द सुना, रोया नहीं। बोले, उसके 32 दांत हैं। पहले दांत आते हैं दूध के, फिर टूट जाते हैं, फिर दांत धीरे धीरे बढ़ते हैं, एक साथ नहीं, आखिर में अकल के दांत कहते हैं, 4 पीछे आते हैं। बत्तीसों दास उसके हैं। कितने आश्चर्य! पहले तो बात रोया नहीं, दूसरे राम 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 सब सुन रहे हैं स्पष्ट उच्चारण, तीसरे दिखाई पड़ रहा है 32 दांत, और चौथा पैदा होते मान ऐसा लग रहा है 5 साल का लड़का है। और पांचवां चमत्कार यह हुआ कि नाल छेदन होता है बच्चे के बाद, दाई आती है, दाई न सही आजकल नर्स वर्स कुछ भी, जब दाई नाल छेदन कर रही थी उस समय आकाश में शंख ध्वनि बज रही थी, तुतु 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 चारों ओर आकाश में अपने आप, वो शंख इसलिए था इस बच्चे के कारण सारे संसार में रामचरित फैल जाएगा। ओ, ऐसा हुआ भी। ये 5 चमत्कार की बातें हुई। ये देख करके सब स्त्री पुरुष भाग गए, ये राक्षस है, दुनिया औंधी खोपड़ी की है, भगवान नाम ले रहा है मंगल, लेकिन संसार में अकल अलग है संसारियों की। बोले, भैया ये तो कोई राक्षस है। और ये सब सुन करके उनकी मां हुलसी बड़ी दुख में दुखी हो रही थी, सोचने लग गई हमारा कोई पाप है जो ऐसा लड़का जन्मा। आत्माराम जी से जब सब कहा गया
तो आत्माराम जी ने भी जाके देखा कि भाई क्या सच है कि नहीं। जब जैसे गए तो लड़का बोला राम राम राम। ओ ये तो सच बात है, रोने गाने का काम नहीं, मां वहां राम ही राम हो रहा है। बाहर आए, वहां लोग आए थे, राजगुरु थे बहुत से लोग, विचार होने लग गया। बच्चा जैसे पैदा होता है तो ये सब जो कर्म होते हैं जन्म लेने के बाद, पूजन पितृश्वर आदि सबका होता है, तो सब लोगों ने कहा कि अभी पूजन मत करो, देख लो कि जीता है कि नहीं जीता है, कहीं मर मरा जाए, क्योंकि ऐसा लड़का तो आज तक पैदा नहीं हुआ। बोले कम से कम 3 दिन तक देख लो। तीन दिन बीते, सप्तमी को पैदा हुए थे तो 3 दिन बाद में दशमी के बाद में हुलसी की हालत यानी मां की हालत खराब हो गई, ऐसा लगा कि अब जाने वाली है। तो उन्होंने, उनकी एक दासी नौकरानी थी, चुनिया नाम था जिसका, चुनिया, वो बड़ी प्रिय दासी विश्वसनीय थी। हुलसी बोली, चुनिया आधी रात का समय था, मैं अब जा रही हूं। चुनिया रोने लग गई, बोले मालकिन ऐसा क्यों कहती हो? बोले हां मैं जा रही हूं चुनिया, झूठ नहीं है, विश्वास कर। बोले ऐसा ऐसे कैसे, इस बच्चे का छोड़ के आप कैसे जा रही हैं? बोले हमें जाना है, मैं तेरे से बता रही हूं कि इस समय तुम इस लड़के को लेकर के, आधी रात का समय है, अभी लोग सो रहे हैं, सब संसार सो रहा है, इस लड़के को लोग मार डालेंगे, सब गांव की आवाज है कि राक्षस पैदा हुआ है, इसलिए तू बचा सकती है इस लड़के को, नहीं इस लड़के का बचाने वाला संसार में कोई नहीं है। 3 दिन से मैं यही सुन रही हूं, राक्षस पैदा हुआ है, कोई मांगलिक कार्य नहीं हो रहा है। जैसे लड़का पैदा होता है तो पूजन तर्पण आदि पितृश्वर को होता है, सब नहीं कहते राक्षस है, तो तू चली जा यहां से। बोले कहां? बोले मेरे बिहार में नहीं जाना, अपने अपने उसमें चली जा। उसका ससुराल एक गांव में हरिपुर में था, वहीं पास में कहीं दूर होगा, और ये मेरे सब गहने ले जा। तू संपन्न थी, राजगुरु की स्त्री थी। बोले मैं गहने के, बोले गहने ले जा, इसका पालन पोषण अच्छी तरह करना, ये राक्षस नहीं है चुनिया, इसने राम राम कहा है, राक्षस कैसे है, ये कोई बहुत बड़ा श्रेष्ठ महापुरुष है, इसको तू बचाएगी, इससे संसार का कल्याण होगा, नहीं ले जाएगी तो सवेरे इस बालक को जिंदा लोग जमुना जी में बहा देंगे।
अभी अंधेरा है, तू भाग जा, मेरे सामने चली जा, मैं अभी जा रही हूं संसार छोड़ करके, मेरे जीते जी तू चली जा, यहां घर से निकल जा। तू जब चली जाएगी, जब मेरे प्राण छूटेंगे, चुनिया ने कहा ठीक है मालकिन जो आप कह रही हैं, ले गहनों की पोटली पकड़ाया और बच्चा को रोता तो था ही नहीं भाई, दो कोई दूसरा बच्चा होता तो रोता भी, चे 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 जरा जरा देर में रोता है, रोने का काम नहीं। उसने तुलसीदास जी को उठाया, बच्चे को, उसका नाम रामबोला था पहला नाम, उठाया और निर्भय देख रहा है। सभी लोग डरते थे कि बड़े निर्भयता से सबको देखता था, इसे 5 साल का बच्चा हो तो लोग डरते थे, अरे कैसे देख रहा है आंख फाड़ फाड़ के। वह रात में जमुना पार किया उसने तुलसीदास बच्चे को लेकर के, कहीं कहीं पांच होता है, मतलब नदियां जब बहती हैं तो दो दो चार चार, हमारी यात्रा ने कई बार पैदल पार किया है उसको पांच कहते हैं, जहां कहीं जमीन ऊपर आ जाती है, ज्यादा गहरी नहीं होती है, तो उसका गांव पांच जहां थी जगह उसके पार था, वहां पहुंच करके पहुंच गई वो हरिपुर अपने ससुराल में। उसकी सास का नाम था मुनिया, बहू का नाम चुनिया, सास का नाम मुनिया। चुनिया गई मुनिया को पांव छुया, बोले ये क्या है, बोले टुनिया लाई हूं साथ में। बोले ये क्या है चुनिया, मुनिया बोली, बोले टुनिया है, ये हमारी मालकिन का लड़का है, तू क्यों लाई, सब बताया कि इसको लोग मार डालेंगे। और सास घबराई, चुनिया होशियार थी, बोले ये लो सासू जी, वो गठन वो गहनों की पोटली रख दिया है, ये क्या है, गरीब थी नौकरी करती थी, गहना पहना देखा नहीं था। मुनिया बोली चुनिया ये क्या है, बोले टुनिया को लाई हूं तो उसकी मैया ने दिया है पालन पोषण, रख ले ला ला ला, अच्छी तरह पालन पोषण कर। तो वो गहना सामने रख दिया, मुनिया तो गहना संभालने चली गई भीतर, चुनिया ने तुरंत फिर बच्चे को शहद वहद या जो कुछ जैसा होता है भूखा समझ करके चटाया, रोने का काम नहीं, वो तो चाटने लग गए तुलसीदास जी, अब चाटने दो फिर आगे कल की।